साई राम एवरी वन ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, एंजॉयड योर वेकेशन, स्मॉल वेकेशन. यस 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 मैम मैम कल की छुट्टी है. जॉइन योर हैंड्स. यस मैम क्लोज योर आईज, वी विल डू ओमकार फर्स्ट. Sai Ram everyone. Okay, I hope you all have started the activity germination of seed. If you have I have done my activity, my plant have grown. Listen to ma'am. Please mute yourself and listen to ma'am. If you have started your activity, please raise your hand so that I will ask you to show it. Yes, Amolika has started, Satvik has started, Akshita has started, Vinamra has started, Manasvi has started. Ma'am, excuse me, ma'am. हमारी अंशुमन गई. अंशुमन है स्टार्टेड. कोई कुछ कह रहा है? कौन कह रहा है कुछ? अनीश है स्टार्टेड. नम्र मैम हमारी जो सीड है ना वो सड़ गया और आज आज ही मैम बता दिया था. Who is talking this? Who is this? Vinamre, are you talking? Vinamre, is it you? मैम वो चना थोड़ा थोड़ा खराब भी हो रहा है, साथ में उसकी मैम रूट भी आ रही है. मैम हमारा हो गया. मैम वो मैम मेरा भी हो गया. यस मैम मेरा भी हो गया. यस मैम मेरा भी खराब हो गया. मेरा भी खराब हो गया. मैम मेरा चना पूरा खराब हो गया. चना तो कुछ कुछ सही है पर उसमें से ना नीचे से रूट्स निकल रहा है, ऊपर से पत्तियां निकलने थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है. हाँ वेरी गुड. अगर आपने टिश्यू पेपर को मॉइस्ट नहीं रखा होगा बेटा, अगर वो ड्राई हो गया होगा तो आपके चने खराब होंगे. आपको उसको मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है, उसको वेट रखना बहुत जरूरी है. मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर आपने उसमें बीच बीच में पानी स्प्रे नहीं किया तो वो ड्राई हो जाएगा. आपको उसको वेट रखना बहुत जरूरी है. अच्छा, जिसका अच्छे से एक्टिविटी हो गया है, मतलब जिनके चने खराब नहीं हुए ग्राम्स और उनके रूट्स और लीफ निकल चुके हैं या रूट्स निकल चुके हैं, वो अपना हैंड रेस करे वीडियो में, तो मैं उनसे आपको दिखाने के लिए बोलूंगी. यस अंशुमन, अंशुमन प्लीज शो योर प्लांट सिडलिंग. मैम मैम आई हैव केप्ट इट आउटसाइड. Bring it, no problem. Go and bring it. Amolika, you can also show your plant. मैं लेकर आ रही हूँ उसे. Okay बेटा, okay. The Akshita, you can show your plant. आप उसमें से साइड वाला सीड जो है ना बेटा, अक्षिता जो आपने साइड में डाला है उसको निकालो बाहर धीरे से, जो टिश्यू पेपर के साइड में डाला है, क्योंकि वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा. Yes, ma'am. हाँ, और सबको अच्छे से दिखा दो. और यू कैन नेम द पार्ट. अभी बेटा जिनके हो अच्छे से हुए उनको देख लो, फिर आपको अपना कहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना वो समझ आएगा. मैंने सुनो बेटा, अमोलिका जो साइड में आपने डाला है सीड उसको धीरे से निकालो, टिश्यू पेपर के साइड में जो है ये सॉइल में किसने किया? मैम दिस इज माय सीड. ओके ओके, अंशुमन ने सॉइल में किया है. ओके अंशुमन, फाइन. मैम अक्षिता और पास में मैम दिखाई नहीं दे रहा. हाँ ये अमोलिका का देखो, अमोलिका का क्लियर दिख रहा है, नीचे रूट है. अमोलिका और थोड़ा क्लियर दिखाओ, आपकी उंगली ज्यादा दिख रही है. अमोलिका उसको ऐसे होल्ड करो. अमोलिका इसकी पिक्चर डाल देना व्हाट्सएप पे बेटा, अच्छे से ग्रो हो गए वो व्हाट्सएप पे. हाँ ये अक्षिता का भी अच्छे से दिख रहा है. यस यस, राइट अक्षिता, राइट.
मेरा अक्षता का देखो नीचे रूट्स दिख रही है, देखो शूट से मुंह पर पड़ रहा है। वेरी गुड अक्षता का बहुत सुंदर बन। मैम मेरा वाला सड़ गया था, चना है ना बेटा? मैंने यस मैम ब्लैक ग्राम है। हां तो आपने मुझसे पूछा था आपका कितने भी रूट्स का हुआ है? वेरी गुड अमोलिका, जिनके अच्छे से हुए हैं ना वो थोड़ा सा क्या करेंगे आज फोटो डालेंगे व्हाट्सएप पे। अक्षता अमोलिका ओके आप इसको फोटो डालो तुमको दिखाई दे। मैं वो ग्लास ग्रुप है मैम, हमें ग्लास के साथ डालना है कि सिंगल डालना है? ग्लास की फोटो में यदि आपका क्लियर पिक्चर आ रहा है तो फिर आप ग्लास की फोटो डालो, यदि क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है आपकी रूट्स शूट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे करना उन सीड्स जो साइड में है उनको निकाल के प्लेट में रख लो और अच्छे से क्लोज में फोटो डालो ताकि सबको दिखाई दे। ठीक है अक्षता और सीताज की भी बहुत अच्छे से हुई है। फाइनल स्टेज फोटो और ऑल स्टेज फोटो, आई हैव टेकन ऑल स्टेज फोटो। मैं क्लास ग्रुप में भेज रहे अक्षता, यू कैन सेंड इट। ओके मैम। मनस्वी आपको नहीं भेजना, जिनके खराब हो चुके उनको नहीं भेजना है। मैं भी बोल रही हूँ ना जिनका अच्छा है उन्हीं को भेजना, जिनका खराब हो ठीक है। हितांश हितांश अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो योर प्लान टू एवरीवन। आपके भी बहुत अच्छे बने। कौन सा सीड लिया आपने बेटा हितांश? कैमरा ओपन करो बेटा दिखाई देगा तो। अंशुमन आपकी फोटो डालते हैं आज मैम। वीट ओके मैम। अच्छा हाँ वीट का बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ अच्छा ये हितांश नीचे पूरा पानी रखा है जार में। यस यस मैम इसने पूरा का पूरा पानी रखा है। मैंने बोला ना पानी मॉइस्ट चाहिए उसके बगैर नहीं होगा। अथर कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम अथर यू कैन मैम मेरे पास फोटो है। We have to send in what class group? Yes, class group. Okay, ma'am. Ma'am, I have photo. अक्षता हितांश एंड अमोलिका ये तीन बच्चे भेजेंगे, इनकी बहुत अच्छी हुई है ना? और किसका अच्छे से यू कैन ऑल्सो सेंड। अथर्व अभी आपके खराब हो रहे हैं, आप इसको पानी डाला था आपने फिर से जब आपने मुझे फोटो डाली थी अथर्व? यस मैम। दोबारा ट्राई करेंगे कोई दिक्कत नहीं अथर्व, ठीक है इसको फेंक दो। रिद्धिमा एक सीट निकाल, ग्लास अच्छे से नहीं दिख रहा। रिद्धिमा एक सीट निकालो और एक सीट दिखाओ मुझे बेटा, पास में लेकर आओ। हाँ स्काउट्स उसमें निकला है क्या? उसमें लीफ वगैरह दिख रही है क्या तुम्हें? लीफ पार्ट ग्रो हुआ है क्या? रिद्धिमा से पूछ रही हूँ मैं। रिद्धिमा मैम उसमें लीफ थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा थोड़ी सी अभी आपका आ जाएगा। रिद्धिमा थोड़ा सा वेट करो आप, बस आपको टिश्यू पेपर को मॉइस्ट रखना है। यस मैम मेयर बहुत गीला। यस मैम मेयर टिश्यू पेपर मॉइस्ट ही है इसलिए वो ग्रो हो रहा है। आ जाएंगे मुझे लग रहा है आपके आ जाएंगे। ठीक है मैं कॉटन लिया था। मैं मैंने कॉटन लिया था। हाँ कॉटन से भी हो जाता है और इससे भी हो जाता है। मैम आई हैव टेकन ब्लू क्लॉथ। यू हैव टेकन क्लॉथ? मैम आई हैव टेकन नो मैम ब्लू टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर ओके ब्लू टिश्यू पेपर। और किसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें से शूट और रूट दोनों दिखाई दे रहा है? सक्सेसफुल किसकी हुई है? प्लीज रेज योर हैंड जिसकी अच्छे से हुई है। उदिता यस सात्विक यू कैन शो योर फोटो। यू कैन शो अभी सात्विक पूरा ग्रो नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा है ना, हो रहा है लेकिन पेपर को मॉइस्ट रखना सात्विक। ठीक है और ऊपर से कवर किया है ना सात्विक और रिद्धिमा, आपने सीड्स को ऊपर से भी कवर किया है कि ओपन रखा है?
यस मैम, मैम मैंने इसको कवर किया है ऊपर से। वो भी मॉइस्ट पेपर है ना, जिससे कवर किया है वो भी मॉइस्ट है ना बेटा? यस मैम। ओके ओके मैम, मैंने ऊपर से कवर नहीं किया। उदिता व्हाट अबाउट यू, हैव यू स्टार्टेड द एक्टिविटी? उदिता आर यू हियर? मैम मैंने ऊपर का कवर किया था स्टील के प्लेट से। यस उदिता, आर यू हियर और यू आर आउट ऑफ स्टेशन? मैम आई एम आउट ऑफ स्टेशन। Then you have started or you have not started the activity, Vita? Ma'am, I have started the activity last night. Okay, fine, fine. No problem. और किसकी activity complete हुई है? Ma'am. अच्छा, अक्षिता, can you explain your activity? तो बाकी बच्चों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, stage wise. यस मैम। मैम फर्स्टली हैव टू टेक ग्राम सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट। मैम वी हैव टू सोलर ग्लास एंड पुट द टिश्यू पेपर इन द ग्लास एंड वी हैव टू पुट द आवर ग्राम्स इन ग्लास साइड बाय साइड ऑन टिश्यू पेपर एंड then we have to sprinkle water on the tissue paper and then we have to leave it for 3 days and then we have to again we have to sprinkle some water and then it will grow. Every day you were sprinkling the water? Yes ma'am. देखो रोज उसने पानी स्प्रिंकल किया ये याद रखना है ना, और 3 days तक उसने कवर करके रखा। After 3 days, what you have observed, Akshita? Ma'am, our grams were growing. Which part has grown first? Ma'am? Ma'am, you have taken the photograph now? Have burst. Yes. And which part has grown first? Have you observed that? Yes, ma'am. Ma'am, root part grow first. Yes, ma'am. The small baby roots are coming. Yes. Okay. So those who have done it successfully, they can send their photograph on this class WhatsApp group today itself. Okay. Stage wise, if you have taken the photograph, you can send them all the photographs. And those who are not able to complete it, they will try it again. अभी भी हमारे पास टाइम है ना, ये मंथ की एक्टिविटी हमारे नवंबर मंथ की, तो अभी हमारे पास टाइम है. They will try it again. अभी हम हितांश से पूछते, हितांश की भी बहुत अच्छे से हुई। हितांश ने पूरा जार में किया है और वीट यानी गेहूं, अभी हम लोगों ने पूजा की थी, सब लोगों ने देखा था, उसमें गेहूं के बीच बोए जाते हैं, तो उसने हितांश ने मुझे लगता है पूजा भी कर ली है और एक्टिविटी भी कर ली है। Am I right, हितांश? मैंने बहुत सारे गमलों में, मैंने भी उगाया है। क्या मैं आपको शो करूं? कौन है ये? मैं रिद्धिमा। हाँ रिद्धिमा, दिखा दीजिए। मैं ये आपने सॉइल में किया बेटा? ये वीट सीड्स है क्या? वीट सीड्स है क्या रिद्धिमा? यस मैम, ये वीट का है। गुड गुड गुड, वेरी गुड मैम। जब मैं रिद्धिमा यू कैन सेंड द फोटोग्राफ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके रिद्धिमा? ओके मैम। हितांश यू कैन आल्सो सेंड द फोटोग्राफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है हितांश? मैम आई विल सेंड स्टेज वाइज। यस मैम, पहले तो मैंने पानी भरा यार, उसके बाद में मैंने बॉटल रख दिया। मैम पहले तो मैंने जार के अंदर पानी भरा, उसके बाद फिर मैंने जार के ऊपर कॉटन रख दिया। हाँ मैम, मैम उसके बाद फिर कॉटन ड्राई था कि वेट था? मैं वेट था। मैं उसके बाद मैंने उसके ऊपर मैं
सीड्स डाल दी, उसके बाद फिर मैम ये, फिर उसके बाद धीरे धीरे रूट सूखने लगे। मेरा क्वेश्चन सुनो पहले, कि आपने जो वीट सीड्स लिए थे वो ड्राई थे कि सोक करके लिए थे? मैम ड्राई ड्राई थे। आपने उनको कॉटन के ऊपर रख दिया, वेट कॉटन के ऊपर, am I right? यस मैम। जार के अंदर आपने वाटर रखा, यस, और फिर वापस उसको कवर किया ना, सीड्स को वापस ऊपर से कॉटन से कवर किया? यस नो मैम, नो मैम। अच्छा वो ओपन ही रखे आपने? यस मैम। ओके यस मैम, यस मैम। व्हाट यू हैव मैम, आई एम उसके नीचे What you have observed after 3 days? Yes, ma'am. आपने 3 days के बाद क्या देखा? मैं सीट से छोटी छोटी सी रूट्स निकलने लगी और उसके छोटी छोटी सी ऊपर से वो निकलने लगे। Leaves, है ना? Yes, ma'am. मैम कैन आई लीव द डिटरमिनेशन ऑफ सीड ऑफ सीड? मैम मैंने मैम मेरी तो सेकंड डे में क्या बोलते रूट्स निकलने लग गए थे, अभी थर्ड डे में थोड़ी थोड़ी सी लीफ निकलने लग गई है थोड़ी थोड़ी सी। मैम ग्रांट ने टिश्यू पेपर को जकड़ लिया पूरा, बहुत मुश्किल होती है निकालने में। हाँ सही कह रहे हो आप, वो उसको बिल्कुल कॉटन में भी इसे आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा, जैसे वो मिट्टी में बिल्कुल सॉइल को पकड़ लेता है वैसे ही वो कॉटन या टिश्यू पेपर को भी बिल्कुल टाइटली होल्ड करता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो आपको समझ में आ गया रूट्स कैसे सॉइल को जकड़ लेती है अंदर मिट्टी के अंदर, हमको दिखाई नहीं देता है। यहाँ कॉटन और टिश्यू पेपर हमने क्यों लिया पता है, यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि वो कैसे उसको टाइटली होल्ड करता है, इसीलिए मैंने सॉइल में नहीं बोला था, क्योंकि सॉइल में आपको दिखाई नहीं देगा और टिश्यू पेपर से आपको दिखाई देगा कि वो कैसे टाइटली होल्ड करता है। मैम ये देखिए कैसे फैल गया पूरे। आपने किया है तो भी आप इसकी फोटो डाल सकते हो बेटा, ठीक है, जैसे अंशुमन ने किया है और रिद्धिमा ने किया है सॉइल में, तो आप उसकी फोटो डाल सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किए है, स्टार्ट करने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ है, खराब हो गई है, वो दोबारा से कोशिश करेंगे। ये एक्टिविटी कंपल्सरी है, सबको करना है, खराब हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा स्टार्ट करेंगे जहां गड़बड़ हुए। अभी जैसे अक्षता ने आपको बताया कि टिश्यू पेपर को वो डेली मॉइस्ट करती थी, 3 days तक उसने कवर किया था। अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो जो आपने साइड में डाले हैं ना बेटा, उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, आप बार बार उसको ओपन करके मत देखिए कि क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। साइड में भी आपने सीड्स रखे हैं ग्लास के, टिश्यू पेपर के साइड में, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। बार बार आपको उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है। ओके इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैंने इसको डाली था, अच्छे से कंप्लीट हुई है, वो आज ही फोटो डालेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके गुड गुड, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे आगे, जिनकी अच्छी फोटो होगी वो फेसबुक पे आ जाएगी फिर। ओके नाउ आई विल शेयर वन वीडियो फ्रॉम टाटा क्लासेस टू Understand what is germination and how does it take place. So watch this video carefully, every one of you. Don't unmute yourself in between. अभी आपको germination कैसे होता है, क्या होता है, अभी ध्यान से इस video से और अच्छे से पता चलेगा. Okay, Navya? Navya, have you started the activity? Today you have not responded anything. Ma'am, I've started the activity. Then what is your result? मैम अब रिजल्ट नहीं मिला मैम, अभी सिर्फ रूट्स हो गए हैं। मैम मैंने टॉपिक मैम सिर्फ रूट्स निकले हैं अभी। ओके इट विल टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम नव्या, बट यू हैव अंडरस्टूड नाउ, यू शुड कीप द पेपर मॉइस्ट, ओके, इट शुड नॉट गेट ड्राई, ओके। सो नाउ आई विल शेयर द पैकेज, आई होप Yes, ma'am.
मैम योर स्क्रीन इज ऑल ओके थैंक यू मैम 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 थर्ड में मैंने सीट जनरेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था हाँ बेटा उनकी क्लास का हो चुका उनकी क्लास आगे चल रही है ना हमारे क्लासेस कम मिलती है ना बेटा तो हमारा पीछे चल रहा है उनसे थोड़ा हमारी बड़ी मुश्किल से एक साथ दो क्लास मतलब It is coming. It will take few minutes. Watch this video carefully so that you will understand how does it take place in the soil. Okay? Mark says we should eat green vegetables to become healthy and strong. Look, Grandpa. I'm going to grow these methi seeds. Mom will cook the methi plants for us. I've planted the methi seeds. I will water them now. The sunlight will help them grow. Wow, look, the seeds have grown into tiny plants. The baby plants are called seedlings. This seedling has roots, stem, and leaves. How did the seedling grow? First, the seedling developed roots. Look how the roots grow downwards. Then a tiny green shoot appeared. The stem grew longer. Then the leaves opened out and grew towards the sunlight. That's how I got the methi plants. Ma will cook a tasty methi sabzi for us now. Ma'am, I have a question. Yes, beta. Ma'am, जैसे तो seed होता है जब वो plant में grow करता है तो ma'am वो जो seed का जो उत्ता जो होता है ना cover ma'am उसका क्या होता है? वो निकल जाता है अभी आपने देखा ना video में कि जब उसमें से shoot grow होने लगता है तो वो निकल जाता है. ठीक है ना? Ma'am cover निकल जाता है फिर ma'am उसका क्या होता है? क्या होता है मतलब बेटा उसी में से मतलब उसके अंदर जो फूड होता है मैंने आपको एक और वीडियो भेजा था यूट्यूब का उसमें बहुत अच्छे से समझाया था उसके अंदर जो स्टोर फूड होता है उस सीड के अंदर वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काम आता है कई दिनों तक मैंने यूट्यूब से एक बहुत अच्छा वीडियो भेजा था जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती है ना कई बार हमको अथॉरिटी नहीं होती कि यूट्यूब से हर वीडियो हम यहाँ पे शेयर करें जर्मिनेशन ऑफ सीड हाउ डज इट टेक ये मैंने एक वीडियो शेयर किया था यूट्यूब का व्हाट्सएप पे मैंने डाला था किसने वो वीडियो देखा ये ग्लास वाली एक्टिविटी नहीं और एक वीडियो मैंने भेजा था यस अक्षता ने देखा उसको दोबारा देखना उसके अंदर जो फूड होता है ना वो सीड के अंदर उस फूड का इस्तेमाल प्लांट आगे आगे करने के लिए उसका इस्तेमाल करते देखो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं एम आई राइट रिद्धिमा लेकिन कब बना सकते हैं जब उनकी लीव्स ग्रो होती है लेकिन जब तक वो छोटा है उसकी लीव्स अच्छे से ग्रो नहीं हुई है तब तक वो अपना फूड नहीं बना सकता इज दैट क्लियर टू यू रिद्धिमा एम आई ऑडिबल टू यू रिद्धिमा यस मैम यू आर ऑडिबल और क्लियर जो आपने सीड उसमें जो सीड जिसकी आप बात करें उसके अंदर फूड है तो उस फूड का इस्तेमाल प्लांट लीव्स पूरे आने तक करता है ग्रो करने के लिए वो एनर्जी वहां से लेता है प्लांट ग्रो होने के लिए मेरी बात समझ में आ रही है आपको ओह यस मैम
रही हूँ, मैं आज दोबारा व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आज उसको फिर से देख लेना। एक छोटा तो सुनाई नहीं देगा अभी। अक्षता आप थोड़ा सा म्यूट करो। क्वेश्चन अभी पहले रिमा बोलो बेटा। मैम जैसे ग्लास है उसके अंदर हमने कुछ ऐसा हमने किया तो क्या हमें इसको सनलाइट दिखानी है? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही दीमा, फिर से एक बार बोलो बेटा। मैम जैसे ग्लास है इसके अंदर टिश्यू पेपर ग्राम से क्या हमें इसको सनलाइट दिखानी है? बीच बीच में हम इसको स्प्रे भी करेंगे? हाँ उसमें पानी स्प्रे करना पड़ेगा बेटा, अगर वो ड्राई हो गया तो आपके चने खराब हो जाएंगे। मॉइस्ट यानी पानी की जरूरत है उसको ग्रो करने के लिए। इसमें टिश्यू पेपर में हम बहुत ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं बना सकते, ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी है ताकि आपको प्लांट सॉइल में कैसे ग्रो होता है। अगर आप उसको सॉइल में करोगे तो आपको उसके रूट्स नहीं दिखाई देंगे, वो मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन इस एक्टिविटी से आपको रूट्स उसकी दिखाई देती है इसलिए। लेकिन हमको अगर प्लांट को ज्यादा बड़ा करना है तो सॉइल की जरूरत है। समझ में आ रही रिद्धिमा बात आपको मेरी? Yes, ma'am. I understood. तो ये बस हम ग्लास में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको उसके नीचे जो अंडर द ग्राउंड पार्ट ग्रो होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सके, जो कि हम सॉइल में नहीं कर पाते। लेकिन हम इसको बहुत बड़ा इसमें नहीं कर सकते, इसको बड़ा करने के लिए आपको सॉइल की जरूरत है, आपको इसको सॉइल में प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई डाउट है रिद्धिमा आपको? ओके, आपको समझ में आ गया? वो जो सीड थी ना उसकी एनर्जी से ही वो लीव्स आने तक बड़ा होता रहता है प्लांट। ठीक है, हाँ अक्षता आपने कुछ कहना चाह रही थी? अक्षता मैम जब सीड ग्रो होता है तब उसे फूड कहाँ से मिलता है? वही तो मैंने बताया, जो आपने सीड लगाया था ना बेटा, तो उस सीड के अंदर भी एनर्जी है, फूड है। तो जब तक उसकी लीव्स नहीं वो, उसके लिए वो वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला था। समझ गए आप? मैं आज फिर से सेंड कर दूंगी उस वीडियो को, बहुत अच्छे से बताया था कि जब तक प्लांट की लीव्स नहीं आती है तब तक प्लांट कैसे ग्रो होगा, उसको फूड कहाँ से मिलेगा। मैम सीड के अंदर जो फूड है वो उसको एनर्जी देता है, उसी को वो लेता है, उसी को उसी से वो ग्रो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है अक्षिता आपको? ओके मैम, है ना। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो आज मैं दोबारा उसको सेंड करती हूँ, ध्यान से देखा। उसमें बताया उन्होंने कि जब तक प्लांट की लीव्स नहीं आती है प्लांट अपने लिए फूड नहीं बना सकता, फिर लीव्स आने तक वो कैसे ग्रो करेगा? सोचिए, आप खुद सोचिए कैसे ग्रो करेगा, उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए कि नहीं? Yes, ma'am. तो वो एनर्जी ये सीड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी को वो लेता है और वो बढ़ता है लीव्स आने तक। लीव्स आने के बाद वो अपना खुद ही फूड बनाने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया अक्षता? ओके मैम, भेजूंगी उस वीडियो में। बहुत सभी को मिनरल्स ये था ना? मुझे है। अभी अनन्या की चांस है, मनस्वी यू कीप क्वाइट। अनन्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सनलाइट हमें मतलब अपने प्लांट को कितनी कितनी देनी चाहिए, मतलब कितनी आनी चाहिए? शुरुआत में उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, सनलाइट कब लगेगी? जब वो अपना फूड खुद बनाने लगेगा। ठीक है, अभी हमने आपको नहीं बोला था कि ग्लास को सनलाइट में रखो, बोला था कि हमने उल्टा हमने आपको बोला था प्लीज है उनको कवर करो, है ना। तो अभी उसको शुरुआत में सनलाइट की जरूरत नहीं है, उसको मॉइस्ट चाहिए, एयर चाहिए, वॉर्म्थ चाहिए, वॉर्म्थ यानी गर्मी भी चाहिए, इसलिए हमने उसको ऊपर से कवर किया था। और मॉइस्ट बहुत जरूरी, मॉइस्ट यानी वॉटर। तो अभी जब तक उसमें से लीव्स नहीं निकली है अभी उसमें वो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर रहा है। हाँ जब लीव्स आएंगी तब उसको सनलाइट चाहिए ताकि इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। क्लियर हो गया मैंने आपको बेटा? ओके मैम। बेटा मैंने देखा है वीडियो में किसने हैंड रेस किया है तो मैं उसी से पहले पूछूंगी। यस अंशु
थिंग. ऐश्वर्या प्लीज कीप क्वाइट. अंशुमन मैम, वो जब सॉइल का लीव्स ग्रो नहीं होता है तब मुझे पता है कि वो अपने एनर्जी से वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेता है, लेकिन सॉइल से भी तो एनर्जी ले सकता है ना. सॉइल हाँ यस करेक्ट आंसर है. सॉइल में उसकी रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर, लेकिन फिर भी उसको जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, वो सीड के अंदर से लेता है बेटा वो. ओके मैम. उसकी रूट्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई अभी है ना. यस ऐश्वर्य मैम, जैसे अगर प्लांट ग्रो हो जाएगा तो रिद्धिमा प्लीज वेट. ऐश्वर्य ऐश्वर्य आर यू देयर. मनस्वी मैम, हम उसके ऊपर वो पेपर नैपकिन रखेंगे, वो गीला होना चाहिए कि सूखा. मनस्वी पूरी एक्टिविटी इतनी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर भी तुम यही सेम क्वेश्चन पूछ रही हो. अगर हम उसको ड्राई रखेंगे तो क्या होगा बेटा, उसको मॉइस्ट मिल पाएगा क्या, वाटर मिल पाएगा क्या, फिर वो कैसे ग्रो होगा. कितनी बार मैंने बोला कि टिश्यू पेपर शुड बी मॉइस्ट, यू शुड स्प्रे वाटर, है ना. इसका मतलब आपने एक्टिविटी नहीं की मनस्वी. यस मैम. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. मनस्वी आपने एक्टिविटी स्टार्ट की कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं की. मैंने स्टार्ट की है पर मेरा वो खराब हो गया मैम. अभी आप खुद ही अपनी गड़बड़ बता रही हो कि आपने टिश्यू पेपर को ड्राई रखा है. आपने ड्राई रखा था उसको, पानी उसमें yes. पानी डाला था, स्प्रे किया था. मैम सिर्फ एक बार स्प्रे किया था. तो वो ड्राई हो गया होगा इतने दिनों में. तो यहाँ पे तो ठीक है ना. ठीक है यस ऐश्वर्य, मैंने आपका दो तीन बार नाम लिया. ऐश्वर्य आर यू देयर. मैम मैं अगेन स्टार्ट कर दूंगी. यस मैम. यस यस यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन. ऐश्वर्य व्हाट यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क. यस मैम. आपको कुछ पूछना था ना बेटा. मैम यू सी माय मैम यू आपकी ऐसे कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी. आपके यहाँ से कुछ और ही डिस्टरबेंस आ रहा है. मैम सी माय एक्टिविटी. Your video is off, beta. Please switch it on. How can I see? Aishwarya, आपका video बंद है. मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपके. नहीं है बेटा, अभी भी off है. Video on है. मैम उसका video on है. मैम उसका video on है. मैम उसका video on है. हाँ, अब दिख रहा है. ऐश्वर्य क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही. अगर आप साइड वाला सीड निकाल के दिखा सकते तो ज्यादा अच्छा दिखेगा. क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है. मुझे लेकिन दिख तो रहा है शूट आपके इसमें, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही. ऐश्वर्य मैम ऐश्वर्या कैमरा इज ऑफ. ओके फाइन ऐश्वर्य, यू कैन सेंड द फोटोग्राफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके क्लास व्हाट्सएप. Okay, now yesterday I have given some work to read two pages from 161 to 164, 64. I think. Have you read them? Have you read them? Yes, ma'am. Okay. Question. Yes, ma'am. अब जिसका भी क्वेश्चन है थोड़ा सा लास्ट में पूछेंगे बेटा. हम आज का ही पीरियड है तो थोड़ा सा हम लेसन को खत्म करना चाह रहे हैं. अब जिसका क्वेश्चन है कौन है वो बच्चा, जरा नाम बताओ. मैम रिद्धिमा. रिद्धिमा अब लास्ट में बेटा आपसे बात करूंगी. ओके रिद्धिमा. ओके बेटा. हाँ अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. हैव यू रेड द फ्रॉम हैव यू रेड दोस पेजेस फ्रॉम 161 टू 164. यस सो अथर्व व्हाट यू हैव रेड ऑन 161 पेज नंबर. अथर्व कैन यू एक्सप्लेन. What do you mean by unusual roots?
Unusual roots. Have you read this title? Ma'am, Udita, I have not read 160 page number 162 to 164 as I am traveling. Okay, fine. Udita, now is it visible to you? Yes, ma'am. Your screen is visible. Yes, Athar, can you explain what you mean by unusual roots? Ma'am, I also know. Ma'am. उसके रूट्स ट्री पे से निकलते हैं, ब्रांचेस में से. करेक्ट. ओके, आई विल रीड इट लाउडली सो दैट एवरीवन कैन लिसन. हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बैनियन ट्री? क्या कभी आपने बैनियन ट्री से झूला है? झूला नहीं होगा तब देखा तो होगा आपने टीवी में या रियल में. यस, व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? आप क्या पकड़ते हो उसके ब्रांचेस में से? निकला हुआ दिखता है उसको हम पकड़ते हैं. यस मैम, लॉन्ग रूट. यस, डर लगता है. व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस? वो हैंगिंग ब्रांचेस आपको दिखती है वो एक्चुअली क्या है? दे आर रूट्स ऑफ द ट्री. हमें वो ब्रांचेस से निकलते हुए जो दिखता है वो रूट्स ही है. अब वो रूट्स क्यों है बैनियन ट्री में वो हम पढ़ेंगे आगे. This grows down from the branches until they reach the ground. Branches से निकलती है और ground तक पहुंचती है. These roots are like pillars that provide strong support to the tree. आपने banyan tree देखा कितना huge होता है, कितना wide होता है, कितना ज्यादा वो घेर लेता है जगह को. तो उसको extra support की जरूरत पड़ती है और वो सपोर्ट्स ही रूट्स देती है जो ब्रांचेस से निकलती और ग्राउंड तक पहुंचती है. सो दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स एंड दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री. क्या फंक्शन है इन रूट्स का? सपोर्ट करना प्लांट को, क्योंकि बहुत ह्यूज ट्री होता है और इसलिए इसको सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है. और ये रूट्स देती है जो हमें सारे ट्रीज में या सारे प्लांट्स में नहीं दिखती, इसलिए इनका नाम है अनयूजुअल रूट्स. ग्राउंड बैनियन ट्री के बाकी ट्रीज की तरह अंडर द ग्राउंड भी रूट्स होते हैं, है ना? वो क्या काम करते हैं जो बाकी रूट्स करते हैं? एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल, सेम वर्क. और ये जो एरियल रूट्स है इनको एरियल रूट्स भी कहा जाता है. एरियल रूट्स या अनयूजुअल रूट्स है वो प्लांट, वो ट्री को सपोर्ट देते हैं. ठीक है. नाउ देयर इज अ लॉ दैट अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. मैम, but there was a tree growing close to a lamp post. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. To hum apne marzi se koi bhi tree ko cut nahi kar sakte, uske branches ko cut nahi kar sakte, uske against ek law hai. Theek hai, dekho ye banyan tree dikh raha hai aapko. ये जो है एरियल रूट्स है, इनको एरियल रूट्स भी बोलते हैं, अनयूजुअल रूट्स भी बोलते हैं, प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं. व्हाट इज देयर यूज? देयर यूज इज टू सपोर्ट द प्लांट. मैम, मैं इस पे झूल चुकी हूँ. अब ये एक्टिविटी वही है जो अभी हमने की है, सीड, सेम एक्टिविटी है ना? लेकिन इन लोगों ने, जैसे हितांश ने की है कॉटन और टम्बलर, तो उन लोगों ने ऐसे ही इसमें दिया हुआ है. देखो, ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विद अ वाइड माउथ, रबर बैंड और थ्रेड. यू कैन यूज सीड्स ऑफ मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा एंड वैट ऑफ कॉटन वूल. इसमें से कोई भी सीड्स आप ले सकते हो. जैसे हितांश ने किया वो बैड मींस, बैड मींस ऐसे लेयर होना चाहिए, फैला हुआ, है ना?
ताकि जो आपने टम्बलर लिया है, मानो ये आपका टम्बलर है, तो इसका ये पूरा कवर होना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड. सोक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट. रात को आपको सीड्स को गला के रखना है इन अ बोल फुल ऑफ वॉटर. टेक द वैड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट. ये ध्यान से रखना, वेट इट, उसको गीला करना है. पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर. Tie it tight to the mouth with rubber band or thread. जो आपने कॉटन लिया था उसको टम्बलर के मुंह के ऊपर अच्छे से टाइटली बांधना है. Remove soaked seeds from water and place them on the cotton wool. फिर वूल के ऊपर आपको वो सीड्स रखने जो आपने रात भर सोक किए थे. You will have to take care that the cotton wool does not dry. ये प्रिकॉशन हमारी एक्टिविटी में भी आपको लेना था. बस यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल किया है हमने, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है. इट शुड नॉट गेट ड्राई. जिन्होंने उसको ड्राई किया उसको सीड्स को मॉइस्ट नहीं मिला, वॉटर नहीं मिला और वो आगे ग्रो नहीं कर पाए. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 डेज. आपको चेंजेस देखने 10 to 12 डेज में क्या होते हैं. Did you observe the seedlings come out of the seed? Seedlings means small plant. Yes, we observe. कुछ बच्चों ने successfully किया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें से shoot और root दोनों systems grow हो रहे हैं, मतलब seedlings उसमें से बाहर आ रहा है. Draw the picture of the seedling as it looks on the 4th and 8th day. जिन्होंने activity successfully complete की है वो अपनी book में 4th day में कैसा दिखता है और 8th डे में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है? Now there are few questions. What difference did you observe in the seeds after soaking? Dry seeds or soaked seeds? Do you find any difference between them? Udita, can you explain? Yes, ma'am. When we soak the seeds become bigger and soft. Am I right? Yes, ma'am. And dry seeds are smaller in size as well as they are not soft. Am I right, Rudita? Yes, ma'am. Now we will go to next question. What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? जैसे कुछ बच्चों के activity गड़बड़ हुई है, वो कह रहे हमारे तो चने खराब हो गए. तो आपका कहीं ना कहीं कहां पे गड़बड़ हुआ है, आपने उसको ड्राई छोड़ दिया, आपने उनको सीड्स को मॉइस्ट प्रोवाइड नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट आपके सीडलिंग्स ग्रो नहीं हो पाए. अंडरस्टूड? तो वी कीप द कॉटन वूल ड्राई देन सीडलिंग्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो? Who will answer this? जिनकी successful activity हुई है उनको पता होगा roots किस direction में जा रही है और stem कहाँ पे जा रहा है. मैम अमोलिका, let you can answer. आपकी activity हो चुकी है, आपको पता चल रहा होगा. हितांश, अक्षिता, you wait. अमोलिका या हितांश, आप दोनों ने activity अच्छे से की है तो आपको पता चल रहा होगा कि रूट्स कौन से डायरेक्शन में जा रही है और स्टेम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. कैन यू एक्सप्लेन? हितांश, अमोलिका, सात्विक. मैम जैसे अगर हमारी सीड्स खराब हो गई हम उनके ऊपर पानी को स्प्रे फिर से सही कर सकते हैं. बेटा अगर आप करके देखो और आप दूसरा भी दूसरे साइड तैयार करो, क्योंकि आपको एक्टिविटी करना ही है ना बेटा. अगर आप उसमें ज्यादा टाइम खराब करोगे इससे बढ़िया कि आप दूसरा भी स्टार्ट करो और उसको भी करते रहो साथ में, दो जगह स्टार्ट कर दो. ठीक है? अमोलिका आपने आंसर नहीं किया. इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम? मैम मुझे क्वेश्चन का समझ नहीं आया. मतलब आपने एक्टिविटी की तो आपको रूट्स और स्टेम दोनों दिखाई दे रहे हैं. यस मैम. रूट्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्टेम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? डायरेक्शन यानी कौन सी दिशा में? मैम शायद मैं रूट्स से नीचे वाली साइड जा रहा है और स्टेम ऊपर वाली साइड जा रहा है. राइट.
वेरी गुड। हितांश ने जो जार में किया है, हितांश के और क्लियरली समझ में आ रही है जार में किया है तो कि उसके रूट्स नीचे की तरफ है और उसके लीव्स ऊपर की तरफ, स्टेम उसका ऊपर की तरफ जा रहा है। हितांश का जार आपने देखा होगा ध्यान से, तो रूट्स नीचे की तरफ और स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में और रूट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यस। हाउ बिग डिड प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल? कॉटन वूल में ज्यादा प्लांट को आप ग्रो नहीं कर सकते, सॉइल बहुत जरूरी है ना। एक कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ही वो कॉटन में या टिश्यू पेपर में बढ़ेगा, उसके बाद आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा सॉइल में अगर आपको उसको बड़ा करना है तो। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल दी सीड्स? क्या सारे सीड से प्लांट्स निकल के आते हैं क्या? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन? यस मैम। सारे सीड से प्लांट्स निकल के आते हैं क्या? सोच कर कीजिए। नो मैम। मैम नो। कई सीड्स प्लांट्स, हाँ कुछ सीड्स में से प्लांट्स नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ओके मैम। ये बहुत आसान है, जिन्होंने एक्टिविटी की उनको दिखाई, मतलब ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स, डिड यू सी हेयर ऑन द रूट्स, हेयर तो दिखते हैं रूट्स के ऊपर, है ना। इफ यू ट्राई टू पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, वर यू एबल टू पुल इट आउट? जैसे अक्षता ने बोला बहुत जकड़ लिया है उसने कॉटन टिश्यू पेपर को, है ना, आप उसको बड़े आसानी से नहीं निकाल पाते क्योंकि रूट्स का काम जो है सॉइल को टाइटली होल्ड करना, तो वो काम वो कर रहा है, वो कॉटन को ही टाइटली होल्ड कर रहा है, तो हम इतने आसानी से निकाल नहीं पा रहे। Did you see how the roots grip the cotton wool? Yes, those who have done the activity in cotton or tissue paper, they can see this, that roots grip the cotton wool very tightly. Do you think the roots hold the soil in the same way? Soil ko bhi wo isi tarike se hold karte honge? Yes, soil ko aur tightly hold karenge, kyunki soil jo hai wo aur compact hota hai isse. Hai na? Cotton se bhi jyada soil wo hota hai, to soil ghana hota hai, ghana. तो सॉइल को और ज्यादा टाइटली होल्ड करेंगे वो। yes, तो नहीं निकलते हैं वो सॉइल में से प्लांट्स, हमको ताकत लगा के खींचना पड़ता है। नाउ दिस पार्ट इज लेफ्ट ऑफ दिस लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेजर्ट ओक इज अ ट्री, एक ट्री का नाम है, दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम। इसकी जो हाइट होती है इस ट्री की, आपके क्लासरूम की जितनी हाइट होती है, लंबाई उतना ग्रो होता है। It has very few leaves, बहुत कम पत्ते होते हैं। अब how deep its root go down? आपको imagine करना है, हम ऑस्ट्रेलिया जो आप में से जाएगा वो तो देख लेगा, लेकिन जो नहीं जाएगा उसको imagine करना है। The length of about 30 such trees let down in a line end to end। इसके roots कितने deep होते हैं? अगर हम trees को ऐसे line में लिटा के रखे और ऐसे 30 trees जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उतने उसके रूट्स डीप होते हैं जमीन में। मतलब आपने 30 ट्रीज को ऐसे लटका दिया और उसकी जो लंबाई होगी उतने लंबे डीप होते हैं इस ट्रीज के। दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। क्यों होते हैं? टू रीच वाटर। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक। और ये वाटर वो कहाँ स्टोर करता है? डेजर्ट ओक अपने ट्रंक में। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। तो यहाँ के लोगों को ये बात पता है, तो वो क्या करते हैं जब पानी नहीं होता है पीने का, तो एक पतला सा पाइप इस पेड़ के ट्रंक में डाल देते हैं और वहां से वो पानी निकालते हैं पीने का, क्योंकि ये ट्री अपना पानी कहाँ पे स्टोर करता है? ट्रंक में। तो लोकल लोगों को ये लोग पता रहती है, तो जब भी उनको पानी की दिक्कत होती है वो एक थिन पाइप इस ट्री के ट्रंक में अटैच कर देते हैं और वो पानी, उस ट्री का पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आता? यहाँ पे हमारे लेसन कंप्लीट हुआ है, ये बचा हुआ पार्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। व्हाट ग्रोज एट Okay, ma'am. Very simple. In the chapter, there was a question.
which tree, ma'am, like banyan tree, which tree has roots? Examples like people, and there are many examples which has which have aerial roots. You can find it out. Ma'am, I know mango tree. Okay, last time I have given you some exercise. I would like to show you answer. Okay, check your answers, everyone. Ma'am, there is some problem. Not moving. कुछ तो प्रॉब्लम है मैम. ये वाला व्हाट डज द सीड ग्रो इनटू? हां लेकिन मैम आई हैव रिटन. You have written, but there is some problem. Grow into a new plant. Wait a minute, beta. Now there is no time for discussion, so you can check your answers. Okay. Okay, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. These are the answers. Please check your answers, all of you. I will read. What does a seed grow into? A seed grows into a new plant. Into a ma'am, my answer is different. New plant. Seed grow into a tree or plant. Tree, beta, बहुत ज़्यादा दूर की बात हो गई ना. हमें immediate क्या होता है? Seed grow into a plant. Baby plant. Baby plant को और क्या कहते हैं? मैम सीडलिंग और सैपलिंग. जो ऑल दी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, क्या सारे प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं? नो मैम, ऑल प्लांट डिड नॉट ग्रो फ्रॉम सीड, लाइक ग्रो फ्रॉम इट स्टेम एंड देन ग्रो फ्रॉम इट जर्मिनेटिंग बड. Ma'am, I have written examples also. Ma'am, mera answer ye. Those from not to the soil and small grasses grow. Mute, keep quiet. Your answer is correct, well done, but you have to mute yourself. Okay, all the plants did not grow from the seeds. Some grow from the root part, some grow from the stem, and some from the leaf. Okay, now list the factors that seeds need to grow into a plant. सीड्स को क्या क्या चाहिए एक प्लांट में ग्रो होने के लिए? एयर, वाटर, सनलाइट, वार्म्थ एंड सॉइल. वार्म्थ यानी गर्मी, है ना? जब वो सीड होता है तो उसको गर्मी भी चाहिए, जब उसमें से लीव्स आती है तो उसको सनलाइट भी चाहिए. पोटैटोज ग्रो फ्रॉम डैश स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम और लीव्स. आंसर इज अंडरग्राउंड स्टेम. आपको ये पता है पहले से कि पोटैटो इज अ स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. मैंगोज ग्रो फ्रॉम डैश स्टेम और सीड. सीड द आंसर. ओके, नाउ हियर यू हैव टू राइट डाउन स्टेजेस ऑफ द प्लांट. दिस वन इज सीड. आप अपना आंसर चेक करो, ठीक है? मैं जहां पे अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ उसको देखो आप. सबसे पहले ये क्या है? सॉरी, दिस वन इज फ्लावर. फ्लावर, देन दिस वन इज फ्लावर से क्या बन जाता है? फ्रूट. फ्रूट्स के इनसाइड क्या होती है? सीड. आप जर्मिनेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सीडलिंग. स्मॉल प्लांट सीडलिंग. ओके, मैम प्लांट small plant and this one is big plant. Okay. Yes, is that clear?
आपको सबको नेम्स कितने फ्लावर फ्रूट सीड है ना बेबी प्लांट या फिर प्लांट ओके इज दैट क्लियर टू एवरीवन एंड दीज आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको भेज दूंगी इनको एक बार आपको रीड भी करना है लिखने से पहले इसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं कुछ हमने डिस्कस किए हैं कुछ हमारे छूट गए हैं सो आई विल सेंड दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप You have to read them first. Ma'am, and you also have to write them in your previous notebook. Is that clear to everyone? You will discuss them tomorrow. Tomorrow we don't have class, beta na. Tomorrow is the holiday. Ma'am, 3 days holiday. Yes. अभी हम सीधा चलेंगे Thursday को हम इनको discuss करेंगे एक बार. Okay? Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. Thursday को हम एक बार Yes, ma'am. अभी हम क्या करेंगे इसको आज आप रीड कर लो लिख लो है ना और फिर Thursday को हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे ओके इज दैट क्लियर टू एवरीवन ओके तो जिसको डाउट पूछना है वो थोड़ा सा रुक जाएंगे बाकी सब लोग शांति पाठ के बाद मीटिंग छोड़ सकते हैं ओके वी विल डू शांति पाठ शांति शांति साइरा मैम अथर ने छोड़ दी मीटिंग अच्छा रिद्धिमा आपको कुछ पूछना है बेटा पूछो बेटा मैम जैसे जब बनियन ट्री होता है और मैं